guys, welcome back to my channel, everyone. And today, 12th of February, and I'm going to Darjeeling. And who is going with me? Mr. Salim. In the last video, he also came, but I didn't introduce him. And now, what are we doing? We are riding Kurseong to Darjeeling. And Kurseong to Darjeeling is like 45 km. और जिस कारण से मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ वो है ये. आपने मेरा शहर में ये दिखा होगा अभी तक जितना भी व्लॉग है, ये एल एल यानी कि लर्नर लाइसेंस. अभी तक मेरे पास सिर्फ लर्नर लाइसेंस ही है एंड मैं अभी डीएल टेस्ट बुक करने के लिए दार्जिलिंग जा रहा हूँ. तो चलो यार, अभी इस सिलसिले में इस राइड को भी इंजॉय कीजिए. टाइम हुआ 2:10 एंड हम अभी कर रहे हैं लंच. और एक सस्पेंस की बात ये है कि हम दार्जिलिंग जाके मेरा काम करके एंड उसके बाद मैं एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा. बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे. तो गाइस, मेरा काम तो लगभग हो चुका है एंड इन जनाब का भी काम थोड़ा बाकी है. एंड हम दो का जब काम ख़त्म होगा तो हम निकलेंगे जापानीज टेंपल की ओर. सो गाइस, आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ द जापानीज टेंपल एंड दिखाऊंगा कुछ देर, आप इंतज़ार कीजिए. प्लीज डू नॉट सी इट. अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है जो ड्रम बीट होता है, मतलब बुद्धिस्ट का एक होता है, मॉन्क्स लोग का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वही इन लोग बजा रहे हैं. आप लोग भी सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है. तो चलो यार अभी आगे की ओर. सो व्यू कुछ ऐसा है, नज़ारा कुछ ऐसा है. सो जस्ट सी, ये एक दार्जिलिंग का टूरिस्ट प्लेस भी है जो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. सुंदर, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे. और तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? या ये जनाब का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है. सो अभी आते वक्त भी हम लोग रूट मतलब पूछ के आए थे, क्योंकि इस रूट पे हम लोग कभी नहीं आए. दार्जिलिंग तो आए बहुत बार, मगर प्रॉपर ये लोकेशन में हमें आज ही आने को मिला. देखो इन लोग यहाँ पे होली रिचुअल है जो इवनिंग को करते हैं शायद. प्लीज टेक आउट योर शूज, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है. एंड ऑब्वियसली यार ये सब जगह में आने के बाद तो शूज तो खोलना बनता है. सो देखो यार यहाँ से कुछ व्यू इस तरीके का है. तो चलो अभी थोड़ा एक स्टेयर और हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है. सो लेट्स गो.
जापानीज पगोडा एंड जापानीज टेम्पल नीचे की तरफ है, जहाँ से हमने एंट्री किया था वहीं से आपको वहीं पे दिख जाएगा। तो यह एक पगोडा है जो बड़ा सा यहाँ पे बना के रखा हुआ है एंड लाइक बहुत सुंदर है यार। एंड वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो पहाड़ के और वो चोटी के और पूरा मतलब घर वर दिखाई दे रहा है, सो वो है दार्जिलिंग। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, देखने में आपको दूर लग रहा है मगर ज़्यादा दूर नहीं है, हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। ये जो सामने की ओर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये है जापानीज मॉनेस्ट्री। यहाँ पे हम अंदर भी जा सकते हैं और एक बार जाके देखना तो बनता है यार, इतना दूर आए तो। सो आई डोंट नो वहाँ पे कैम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं, फिर भी लेट्स गो। गाइस इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।